हाल ही में मोटरवे के करीब भलवाल पंजाब में एक अफसोसनाक वाका पेश आया, जहां एक खानदान के चार अफराद को उनकी गाड़ी में मर्दा पाया गया। मरने वालों में 25 साल हारो मिला, 25 साल समर, सालह मर्द और साला बच्चे आउन अली शामिल हैं। गाड़ी का ड्राइवर आमर कासमीनी मंबे होशी की हालत में पाया गया और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई अतलात के मुताबिक असवाका का सब मुमकिन हथौर पर जहरीला जूस था, जो खाने कैज हर आलूदगिया के सियावर जहरीली शे क्यों जैसे हो सकता है। हकाम असवाके की मजीद तहकीकात कर रहे हैं और लाशों को मजीद मुआयना के लिए भेज दिया गया है। मोटरवे पर भलवाल के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक वाके में एक ही खानदान के चार अफराद की मौत हुई। ये खानदान लाहौर के इलाके मैकलोड रोड का रहायशी था और इस्लामाबाद जा रहा था। इनकी गाड़ी कानबर LF7339 था। मरने वालों में पति पाई साला रोमिला, दीजन पाई साला समर, सीसी साला महर और एक साला औनली शामिल हैं। ड्राइवर आमर कासमनी मबे होशी की हालत में पाया गया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक असवाके की मुमकिन हो जहज हरीला जूस था, जो के खाने के जहर आलूदगी या किसी जहरीली शे की वजह से हो सकता है। हकाम अभी तक वाकये की मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं और लाशों को मजीद पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकये के पीछे के असलाफ का तयन करने लिए मजीद तहकीकात जारी है। इस वाकये में जां बहक होने वाले अफराद की तफसीलात दर्ज झील हैं। इन रोमिला 55 साला खातून इस खानदान की एक सीनियर रुकन थी। टीम समर 25 साला खातून, जो कि इस खानदान की नौजवान रुकन थी। टीम महर इसी साला मर्द, इस खानदान का एक और रुकन था। आउन अली 6 साला बच्चा, जो कि इस खानदान का सबसे कम उम्र फर्द था। ये खानदान लाहौर के इलाके मैकलोड रोड का रहायशी था और वो इस्लामाबाद के सफर पर था जब ये हादसा पेश आया। इनकी मौत की मुमकिना वजह जहरीला जोस है, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। इस वक्त तक किसी भी सरकारी अहल खाना के अफराद की जानब से कोई तफसीली बयान सामने नहीं आया है। वाकये के बाद हकाम ने गाड़ी में मौजूद अफराद की शनाख्तावर मौत की मुमकिन वजह मालूम करने के लिए तहकीकात का आगाज किया है, लेकिन अभी तक खानदान की जानब से किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया गया है। अहल खाना के बारे में मालूमात और वाकये की मजीद तफसीलात के लिए तहकीकात एयरपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मजीद मालूमात सामने आएंगी वो आवाम के साथ शेयर की जाएंगी।